सभी को नमस्कार सुबह की। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ हल्द्वानी तिकोनिया चौराहे पर। ये देखिए तिकोनिया चौराहा है, आप पहचानते होंगे, हल्द्वानी बड़ा शहर है तो ये तिकोनिया चौराहा जो है हल्द्वानी का बिल्कुल हर्ट है। तो मेरी जो आज की यात्रा है वो है यहाँ से देवीधुरा की, हल्द्वानी से देवीधुरा का आज का मेरा सफ़र रहेगा। तो सुबह का बजा है करीब 9:15 और थोड़ा सा हालांकि लेट हो गया है, मैं 7 बजे मुझे करीब निकलना था लेकिन फिर भी मैं लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं कवर कर लूँगा। तो आज का जो मेरा सफ़र है बाया देवीधुरा है लोहाघाट, तो मैं फ़िलहाल आज का जो स्टे करूँगा वो देवीधुरा करूँगा। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे लोग जो है वीडियो में कहते थे, मेरे वीडियो में कमेंट करते थे कि देवीधुरा दिखाओ। तो आज मैंने जानबूझ के टनकपुर वाला रूट नहीं चुना, इसलिए मैं देवीधुरा से जाऊँगा। तो यहाँ से करीब 6-7 घंटे का सफ़र है, तो धीरे धीरे चलते हैं आराम से और आप भी मेरे साथ सफ़र करिएगा। धीरे धीरे मैं आपको अपने साथ सफ़र कराऊंगा और रास्ते के स्टेशन बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं, चलिए ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, आपसे मुलाकात होगी रास्ते में। तो अप्रैल का ये दूसरा हफ्ता और समर सीज़न शुरू हो चुका है, तो समर सीज़न में पहाड़ों पर यात्रा करने का एक अपना ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है। ये सब बात आप भी जानते होंगे और जो लोग नहीं जा पाते होंगे मजबूरीवश, वो लोग हमारे जैसे ब्लॉगर की वीडियो देख करके ही काम चला लेते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी टाइम लगे मौका लगे आप पहाड़ ज़रूर आइए। और अब तो खैर सीज़न ही शुरू होने वाला है। देखिए गर्मी का अंदाज़ा आपको लग रहा होगा, ककड़ी वकड़ी बिकनी शुरू हो गई है, गन्ने का रस बिकना शुरू हो गया है, सड़कों के किनारे गन्ने के जूस के ठेले और खीरे के ठेले, खरबूजे तरबूजे के ठेले लगने शुरू हो गए हैं। तो इससे आभास होता है कि गर्मी आ गई है, लेकिन पहाड़ों के लिए अभी भी मौसम सुहाना है। अप्रैल का पूरा महीना पहाड़ में सुहाना रहेगा, ये तो पक्की बात है। और मैं एक स्वेटर बैग में रख के ले जा रहा हूँ और एक विंग स्वेटर मैंने पहना हुआ है, तो फिलहाल हमारे लिए पहाड़ों पर अभी ठंडा ही है, अगले महीने से देखा जाएगा। तो पेट्रोल मैंने टंकी फुल करा दी थी कल ही, तो आज मुझे पेट्रोल भराने की ज़रूरत है नहीं। तो ये आ गया काठगोदाम का कॉल्टेक्स, अब यहाँ से अब चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये जो जगह है यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि हम अब पहाड़ को चढ़ने लगे हैं, तो उतनी खुशी होती है जितनी खुशी जितना दुख होता है काठगोदाम या रानीबाग पहुँचने पर पहाड़ों से वापस आने वक्त, उतनी ही ज़्यादा खुशी होती है अपने पहाड़ों को जाने वक्त। तो मुझे भी उतनी खुशी हो रही है और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सीन देख करके उतना ही हर्ष हो रहा होगा। तो आप लोग बस मेरे साथ चलिए, इन्जॉय कीजिए और मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं वाकई में मेरे साथ ही आप सफ़र कर रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा। और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मैं दिखाऊं, लेकिन फिर भी वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मेरा सफ़र थोड़ा सा लंबा होता है, तो वीडियो भी मैं लंबा हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो के अंदर ही आपको पूरा दिखाने की मैं कोशिश करूँ। तो चलिए चलते हैं आगे को, सफ़र रखते हैं जारी, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो लो जी आ गया है रानीबाग का तिराहा। तो यहाँ से मैं आज ऊपर को नहीं जाऊँगा, आज मैं भीमताल को जाऊँगा क्योंकि मुझे भीमताल होते हुए जाना है बाया खुटानी। तो ये तिराहा है, यहाँ से आप ये गया जोलीकोट होते हुए नैनीताल को और ये जाएगा भीमताल HMT होते हुए। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, अब आपको मिलेंगे भीमताल में। तो ये वीडियो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए अब मैं आपको सीधे भीमताल में मिलूँगा। तो ठीक है, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो लो जी भीमताल की वादियाँ शुरू हो गई हैं, करीब 1.25 घंटे में पहुँच गया मैं हल्द्वानी से काठगोदाम से भीमताल, 1.25 घंटा लगा मुझे पहुँचने में। तो आपको नज़र आ रहा होगा भीमताल का ये हिस्सा, लेकिन अच्छा लगता है
तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा के झोंके मेरा स्वागत कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं भीमताल। यहाँ से मौसम एकदम से चेंज हुआ है, क्योंकि नीचे जो रानीबाग से भीमताल तक का जो रास्ते में जंगल अंगल है ना, वो बड़ा गर्म है, वहाँ पर बहुत गर्मी महसूस होती है। कुछ शीतल बयार मेरे चेहरे पर लग रही है। तो चलो देखते हैं भीमताल के अंदर कितना हो पाता है कैमरा होल्ड। फिलहाल ये आउटर में चल रहा हूँ इस वक्त में भीमताल के। अभी जाम शुरू हो जाएगा, जाम के एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। चलिए थोड़ा राहत है, उतना ट्रैफिक नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी जल्दी है ना, दिन में दिन का समय जो है वो है थोड़ा सा परेशानी वाला। तो ये जो रोड चली जाती है ये भीमताल मार्केट को चली जाएगी अंदर को, यहाँ पर झील के पास जो मार्केट है, और ये आगे को चली जाएगी। चलो आपको थोड़ा ताल दिखा देता हूँ, जिसने नहीं देखा। वैसे मैंने पिछली दो तीन वीडियो में भीमताल आपको दिखाया है, लेकिन चलिए जो पहली बार मेरी वीडियो में है उनको मैं दिखा देता हूँ। ये भीमताल का ताल है, ये उत्तराखंड के सबसे बहुत बड़े तालों में से एक है, और गहरे तालों में भी है। हाँ, ये जो है बहुत गहरा ताल भी है, मैं आपको बता दूँ इसकी गहराई का कोई पारावार नहीं है। तो चलो आज ज़्यादा अंदर जाने का टाइम तो है नहीं, लेकिन फिर भी बाहर से आप जितना मैं आपको दिखा सकूँ उतना मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर टूरिस्ट जाड़ों में भी आने का मोह नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि गर्मियों में भीड़ ज़्यादा होती है तो हम जाड़ों में उसे अच्छा देख पाएंगे। ये मेरे ख्याल से ये धारणा होती होगी पीछे, क्योंकि टूरिस्ट सीन में तो इतना ज़्यादा बदहवासी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक और इतना ज़्यादा भीड़ शोर शराबा हो जाता है कि आप शहर को देख ढंग से जा नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है टूरिस्ट सीजन की, ये अभी से यह हाल है। पीछे जाम लगा था, 5 मिनट का जाम लगा था, लगा लीजिए। अभी टूरिस्ट सीजन की शुरुआत भी एक तरह से नहीं है, बहुत छुटपुट है। जब 15 तारीख से जून लास्ट तक जो होगा उस वक्त कैसे क्या हाल होगा। चलिए चलते हैं भीमताल मार्केट। मुझे आगे से मुड़ना है, क्योंकि मुझे इस बार भवाली से नहीं जाना है, मुझे आगे से मुड़ना है। तो मैं आपको बताऊंगा मुझे कहाँ से मुड़ना है। हालांकि पिछली बार दनिया जाते वक्त मेरा जो सफ़र था वो इसी मार्ग से था, बाया खुटानी होते हुए। ये वाला भी इसी मार्ग से है, लेकिन आगे रास्ता अलग फट जाता है। तो ये भीमताल का ऊपरी वाला इलाका है, यहाँ से विकास भवन और तमाम सरकारी ऑफिस जो है ब्लॉक के वो यहीं से है। और यहाँ पर एक रास्ता बाईपास निकल जाता है, यहाँ से कार जा रही है, तो ये आपको भीमताल के ताल के मोड़ पे ले जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया, मैं यहाँ से मुझे मुड़ना है ऊपर को, बाया खुटानी। तो आप सबने देखा होगा पिछली वीडियोस में मेरी, यह देखिए किसान द्वार। तो मुझे यहाँ से मुड़ना है। अब थोड़ा सा सफ़र थोड़ा सा आसान होगा, यहाँ से सफ़र थोड़ा आसान इसलिए होगा क्योंकि ये रोड थोड़ा सा, इसमें ट्रैफिक कम है। रोड तो ये भी बड़ी ख़राब है, लेकिन ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, और आप लोगों को रास्ते के व्यूज़ दिखाने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो चलिए, मैंने अभी बहुत लंबा सफ़र करना है, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में दिखाऊंगा। शॉर्ट शॉर्ट में दिखाने के बाद भी ये वीडियो करीब 40 मिनट की जाएगी, इतना मेरा दावा है। तो बहुत लंबा सफ़र है, अभी करीब 110 किलोमीटर से ऊपर लंबा सफ़र है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये आई जी चाफी, भीमताल के बाद एक खूबसूरत स्टेशन है चाफी। छोटा सा बाजार है, लेकिन चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और कुछ पुराने स्टाइल की बाजार भी यहाँ पर। यह पुल है चाफी का, शायद नया बना है, पुराना रास्ता उधर से था मुझे लग रहा है।
ये नया रास्ता है, ये पुल नया बना हुआ है। तो ये है चाफी का बाज़ार, छोटा सा बाज़ार है और टूरिस्ट पे डिपेंड है पूरी तरह से। अब जितना आगे मैं बढ़ता रहूँगा उतने खूबसूरत नज़ारे आपको मिलते रहेंगे और उतना ही ज़्यादा मौसम का एहसास मुझे होता रहेगा। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस शानदार सफर पर। ये आया जी पदमपुरी। तो ये हमारे उत्तराखंड के पूर्व प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी जी का इलाका है। यहाँ से कुछ दूरी पर उनका गांव है, तो कभी मौका लगेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। इस तरफ है पदमपुरी है, यहीं के थे वो, तो यहीं वो पैदा हुए थे गांव में, तो यहीं उनका बचपन बीता था। और उसके बाद वो बाद में लखनऊ चले गए थे कहीं, तो उन्हीं का इलाका है ये। कभी जाऊँगा, मौका लगेगा तो ज़रूर जाऊँगा। कई बार मेरा प्लान बना था लेकिन कोई मुझे व्यक्ति नहीं मिल पाया जो मुझे उनके गांव के बारे में जानकारी देता, तो फिर भी जाऊंगा मैं। तो ये आया जी धारी, नैनीताल जिले का ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है, बड़ा एरिया इसके अंदर आता है और अच्छा बाजार भी है और बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है छोटा सा, हालांकि हिल स्टेशन के रूप में नहीं है अभी कह सकते, छोटी सी बाजार है लेकिन है बड़ा खूबसूरत। तो चलिए पहाड़ के सफर में एक और मील का स्टेशन निकल गया धारी। अभी आगे बहुत है, बहुत सारे स्टेशन आपको मिलेंगे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, और एंजॉय करेंगे आप, क्योंकि आज पूरे 15 दिन बाद मैं निकला हूँ, क्योंकि 27 तारीख को मैं आ गया था पहाड़ से, तो 27 तारीख से आज पूरा एक पखवाड़ा बीत गया है मुझे। पहले भी आपको दिखाया है मैंने धानाचोली मार्केट है, धानाचोली नहीं, धानाचोली नहीं है ये, तल्ली धानाचोली था ये, तल्ली धानाचोली। तो ये ऊंचाई पर बसा एक खूबसूरत कस्बा है, बहुत ही ठंडा है और बहुत बढ़िया मार्केट है धानाचोली का। यहाँ से एक रूट शायद ओखल कांडा को जाती है और एक रूट आगे को निकल जाएगी और तिरहा टाइप का है ये, छोटा सा बाजार भी है। तो इस तरफ भी रोड जो है बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं, मतलब रोड तो खराब है ही है, सड़कों में जो गड्ढे हैं वो कमर तोड़ हड्डी तोड़ गड्ढे हैं, मतलब आदमी संभले ना तो उसका कमर में मशक पड़ी जाए। मशक कहते हैं पहाड़ी में ना, मशक पड़ना या मोच आ जाना उसे मशक कहा जाता है। तो अगर संभले ना तो कोई भी अनएक्सपीरियंस अगर आ जाए बाहर का या यहीं का कोई बाइक सवार अगर सावधान ना हो तो उसकी कमर तो बिल्कुल गई। तो देखो ये देखो गड्ढों की हालत देखो, सड़कों में बहुत ज़्यादा बहुत ही बुरा पीड़ादायक गड्ढे हैं। थोड़ा सा एक 4-5 किलोमीटर का एक टुकड़ा सही था रोड का, बाकी उसके बाद फिर वही अपनी असलियत आ गई। तो यही चीज़ें कोई देखने वाला नहीं है ना, इनको गुजरते हज़ारों लोग हैं लेकिन कहने वाला कोई नहीं है, यहाँ के लोग भी होते हैं। ये देखिए क्या हालत है, जबकि ये इतना बड़ा मेन मुख्य मार्ग है पिथौरागढ़ वाया चल्ली छीना दनिया को जोड़ने वाला, शहर फाटक जैती और देवीधुरा लोहाघाट को जोड़ने वाला, तो उसके बावजूद भी हाल ये है तो सवाल उठता है, सवाल शासकों पर भी उठता है और सवाल जनता पर भी उठता है कि किस तरह का शासक उसने चुना है, और चुना है तो अपने अधिकारों के लिए कितनी वो आवाज़ उठाते हैं, यही बस। बाकी जो बन गई रोड उनकी अपनी मर्जी से बन गई तो कहीं बन गई, अदरवाइज सब राम भरोसे है। एरिया जितना खूबसूरत होता है उतनी ही ज़्यादा रोड की हालत ख़राब होती है, ये मैंने पहाड़ों में अक्सर देखा है। मैं झूठ बोलूँ तो आप देख सकते हैं ना, गड्ढों के आलम देखते हैं सड़कों पर, और उसी में सब चल रहा है, सब घिसट पिसट के चल रहा है, कोई कहने वाला नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ये सब शिकायतें मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जब परेशानी हद से ज़्यादा हो जाती है तो कहना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ख़राब रोड से भीमताल से मैं गुजरा हूँ, मैंने कहा चलो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, बीच में 4-5 किलोमीटर का एक तल्ला धारी के पास डाला हुआ है, थोड़ा सा अच्छी रोड है वहाँ पर, उसके बाद फिर वही हाल आ गया। और मेरा मन भी नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, यहाँ पर जहाँ पर थोड़ा अच्छा आएगा वहाँ पर बनाऊँगा। क्या रोड है, और धन्य हो उन लोगों को जो इस रोड में चल रहे हैं,
और इस इलाके के हैं, धन्य उनको भी हो, उनको भी बधाई देनी जरूरी है ना, ये तो शर्म कैसे आएगी। वैसे तो शर्म ही, लोगों की शर्म तो मर चुकी है ना, नेताओं के अंधे सपोर्ट में तो लोगों की शर्म मर चुकी है। लोगों की शर्म, लोगों की परेशानियाँ, लोगों की आत्मा और अंतरात्मा सब मर चुकी है। तो हम जैसे लोग हैं जो थोड़ा सा अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। बाप रे बाप। अरे भाई, जितना सुंदर ये इलाका है, इतना खूबसूरत यहाँ की आबोहवा है, क्लाइमेट है, तो उसको देखते हुए तो कम से कम ये थोड़ा सा रिपेयरिंग होनी चाहिए सड़क की। लेकिन नहीं, पिछली बार मैं आया था दनिया यात्रा में, तब भी ये ऐसा ही था, कोई सुधार नहीं हुआ है। ओह माय गॉड। कुछ स्टेशन ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो आ जा रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या नाम लूँ। एक स्टेशन जैसे कि और आया है, ये कौन सा है पता नहीं, लेकिन ये है, छोटा सा खूबसूरत सा है, दो चार दुकानों का। पिछली बार भी मैं गया था यहाँ से, लेकिन नाम नहीं पता मुझे। चौल लेक है ये, चौल लेक, छोटा सा बाजार है चौल लेक का। ये मैं सोचना कि रोड खराब है, थकान हो रही है, तो मैं वो स्टेशन छोड़ दूंगा, नो, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भले ही साइलेंट मूड में मैं उसको ले जाऊं बिना कुछ कमेंट्री करे हुए, लेकिन मैं स्टेशन आपको दिखाऊंगा जरूर, ये मेरा दावा है, वादा है। और जी, एक और बड़ा खूबसूरत स्टेशन आया, यहाँ मुझे ठंड लग रही है, आप सोच सकते हैं यहाँ मुझे ठंड लग रही है। ये मैंने विंड चटर पहना हुआ, देखिए ये विंड चटर पहना हुआ, इतना मोटा, इससे भी मुझे ठंड लग रही है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कितना ठंडा इलाका होगा। अभी आने वाला है इसके बाद पहाड़ पानी, बहुत ही, मतलब इतना ऐसा सुकून भरा इलाका है ये, मैं आपको क्या कहूँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और जो वातावरण है, क्लाइमेट है, वो काफ़ी धुला हुआ है, बिल्कुल सुगढ़, साफ और सुगढ़। तो चीड़, बांज और देवदार, तीनों का मिक्स जंगल है यहाँ पर। देखिए, देवदार भी आपको नज़र आ रहा होगा, बांज ब्रांच भी आपको नज़र आ रहा होगा, और चीड़ भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये सब साथ है। और ये खुशबू जो है वातावरण में, उसको मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो क्या खुशबू मेरे अंदर तक एकदम महसूस हो रही है। पहाड़ पानी, तो लो जी, ये आ गया पहाड़ पानी का छोटा सा बाजार। सियार था ये, रंगा सियार। देखिए, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, सपनों का इलाका बिल्कुल। मैं अक्सर ऐसे ही इलाकों को पसंद करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, आपको मेरे कुछ वीडियोस देख के पता चल गया होगा कि मुझे पसंद क्या है। ये देखिए, पहाड़ पानी, छोटा सा गांव है, छोटा सा बाजार भी कह सकते हैं इसे। छोटे छोटे होम स्टे बने हुए हैं यहाँ पर लोगों को रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के वातावरण में भी रहना पसंद करते हैं। बहुत सुंदर इलाका है। और हाँ, मैं तो भूल ही गया यार, कौन कौन है भाई, भीमताल निकल गया, तुमने बताया नहीं या मैंने पूछा ही नहीं। भीमताल निकल गया, पता नहीं क्या क्या निकल गया, धारी निकल गया, पदमपुरी निकल गया, धानाचुली निकल गया, पहाड़ पानी निकल गया, किसी ने बताया नहीं कि कौन कौन यहाँ से है अरे पहले ही बता दिया करो यार, मेरे बिना पूछे, कौन कौन है भाई यहाँ से और कौन कौन मेरी वीडियो देख रहे हैं। हालांकि कुछ पहाड़ पानी के लोगों के कमेंट आए थे, वो मैंने पढ़े थे, उन्होंने कहा था हम पहाड़ पानी से हैं, तो मुझे याद आ रहा है। अरे भाई, कौन कौन हो यहाँ से बताओ, अपनी हाजिरी लगाओ। भाइयों और भाइयों की बहनों, कौन कौन हो यहाँ से, जरूर बताना। तब तक मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ।
खूबसूरत कुदरत के नज़ारे, बाज और बुरांश के जंगलों के बीच ये नज़ारे, मनमोहक नज़ारे, आत्मा को तक खुश कर देने वाले नज़ारे। तो ये पहाड़ पानी का दूसरा वाला हिस्सा है, ये भी पहाड़ पानी ही है, ये बीच में थोड़ा गैप था। तो ये बड़ा सुंदर, बिल्कुल ठेठ पहाड़ी, ठेठ देहाती स्टाइल का ये बाज़ार है। लोग बैठे हैं दुकानों में, कोई गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। शहर फाटक 12 किलोमीटर यहाँ से। अभी चलो, 12 किलोमीटर शहर फाटक है, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ख़राब रास्तों में हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। वाह, क्या लाइफ है यहाँ के लोगों की। सुविधा न हो, व्यवस्थाएं न हो, लेकिन एक ऐसी आबोहवा, ऐसा क्लाइमेट है जो मानव के जीवन के लिए 70% ज़रूरी है। आदमी यहाँ पर नमक के पानी के साथ रोटी खा के भी गुजारा कर सकता है ना। पानी में नमक डाल के उबाल करके उससे भी रोटी खा सकता है। खैर, मसाले तो यहीं हो जाते हैं, उतने में ही आदमी गुजारा कर सकता है। और वैसे ये इलाका आपको बता दूँ, आलू के लिए फेमस है। आलू अदरक यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी होता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है यहाँ का आलू और अदरक। ये मैं आपको बताता चलूँ पहाड़ पानी का, कभी आप ट्राई करें पहाड़ पानी से। आलू के सीजन में आते आते थोड़ा सा आलू ले जाएं, आपको पता लगेगा। और वो वही इन यहाँ के किसानों की आजीविका की रेट भी है। तो चलिए, सफ़र को जारी रखते हैं। मज़ा आ रहा है, भीमताल से तो बड़ा उबाऊ सफ़र हो गया था, लेकिन अब मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक मन को आनंदित कर देने वाली जो हवा मेरे पूरे तन बदन को फ्रेश कर रही है ना, उसको मैं ही समझ सकता हूँ। कुदरती क्लाइमेट के हिसाब से अगर देखें तो बहुत शानदार इलाका है, बहुत शानदार। देखिए, आप देख सकते हैं, मुझे ठंड महसूस हो रही है इस गर्मी के सीजन में। आप, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, मुझे ठंड महसूस हो रही है गले से और बाजुओं से, मेरे ठंड जा रही है मेरे शरीर में। हालांकि विंडचीटर मैंने पहना था तो मुझे लग रहा था मैं क्यों पहन लिया, ये गर्म होगा, लेकिन ठंड लग रही है। नाटाडोल 8 किलोमीटर, देवीधुरा 39 किलोमीटर, लोहाघाट 85 किलोमीटर है। वहाँ से मैं 65 पढ़ा मैंने, वो 65 नहीं था, 85 था। तो ये एक आया सैमगढ़ जी, सैमगढ़, पहले मैं आया हूँ यहाँ पर, सैमगढ़ है ये छोटा सा बाजार था। चलो आगे मिलते हैं आपसे, हाथ थक गया है, मोबाइल कर रखता हूँ जेब में।
लो जी आ गया काफ़ी इंतज़ार के बाद एक डाइवर्ट पॉइंट। ये बैंड है, शहर पाटक से थोड़ा पहले है, तो अल्मोड़ा यहाँ से 50 किलोमीटर, पिथौरागढ़ 112, लोहागढ़ 80। तो मुझे जाना है यहाँ को, जहाँ को ये बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए, ये आ जाए शहर फाटक को, ये चले जाएगा पिथौरागढ़ को। ये देखिए, तो ये मैं वहाँ पर आ गया हूँ। तो शहर फाटक यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक है, सामने आपको दिख रहा होगा, 1 किलोमीटर। शहर फाटक 1 किलोमीटर है यहाँ से। तो अब यहाँ से एक हिस्सा मेरा सफ़र का शुरू होगा, एक हिस्सा समझ लो ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पर डाइवर्ट पॉइंट था। यह हिस्सा मेरा इसलिए नया शुरू होगा क्योंकि मैं आज पहली बार इस रोड से जा रहा हूँ। मैं इस रोड से कभी गया नहीं हूँ आज तक। पिछली बार 2019 में शरदी नवरात्र में मैं आया था लोहाघाट से हल्द्वानी, तो फिलहाल जाना पहली बार हो रहा, फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मेरे लिए खास है ये रास्ता। आज अपनी गाड़ी से वैसे गया हूँ, बस में गया हूँ, जीप में गया हूँ, लेकिन अपनी गाड़ी से फर्स्ट टाइम, बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये है शहर फाटक। तो कौन कौन है अपने शहर फाटक को पहचानो और अपने शहर फाटक को याद करो। जो लोग यहाँ के बाहर रहते हैं, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, जो भी हैं, ज़रूर अपने शहर को याद करो और कमेंट करो। अपने आप सबको अपने अपने गांव की, अपने अपने बाज़ार की याद तो आ रही होगी, तो पक्का है, ये तो मैं मान सकता हूँ इस बात को। शहर फाटक का बाज़ार है, छोटा सा नहीं, बड़ा बाज़ार है, काफ़ी बड़ा बाज़ार हो गया है, और 4-5 सालों में हालांकि बदला कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे अभी आवाजाही कम है क्योंकि टूरिस्ट सीज़न के अलावा यह है कि अभी शादी बरातों का सीज़न भी अभी लगा नहीं है। अब जब शादी बरातों का सीज़न लग जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे क्या हाल रहता है, यहाँ से आप निकल नहीं सकते। तो चलिए, शहर फाटक ख़त्म हुआ बाज़ार। तो पहली बार मेरा आज इस मार्ग से जाना हो रहा है, तो आप सब लोग भी मेरे साथ सफ़र करें इस मार्ग पर, क्योंकि वहाँ तक तो मैं आया था जहाँ से मैं मुड़ा हूँ, लेकिन यहाँ से मेरा आना आज फर्स्ट टाइम हुआ है। भीड़ा पानी आएगा, 10 किलोमीटर है। तो अभी तो बहुत है, रास्ता भी लंबा है, उसके बाद फिर मैंने आपको देवीधुरा दिखाना है। तो आप सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे देवीधुरा का, तो देवीधुरा भी मैं जल्दी आपको दिखाऊँगा। आज की यात्रा वीडियो के बाद अगली जो वीडियो होगी वो देवीधुरा बाज़ार और देवीधुरा मंदिर की होगी। तो आज तो ये यात्रा ही हो पाएगी। ये आया जी मोरनौला, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पसंदीदा मेरे स्टेशनों में से एक है ये। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बाइक रोकता हूँ, तो आगे रोकता हूँ गाड़ी। तो बिल्कुल कुदरत के नज़ारों के बीच एक खूबसूरत स्टेशन है ये मोरनौला। तो ये जंक्शन पॉइंट भी है। तो एक रोड इसमें इंटीरियर पानी कहाँ को चली जाती है, एक रोड ये है जो मैं यहाँ से जहाँ से मैं आया हूँ अभी, और ये वाला रोड जो है ये मुझे जहाँ जाना है देवीधुरा लोहाघाट को चला जाएगा। तो यहाँ पर रुकने का खास कारण ये है कि ये अच्छा स्टेशन है, मुझे अच्छा लगता है, हमेशा से ही मुझे पसंद है ये। और ये पता नहीं कहाँ को चला जाएगा ये रूट। तो मैं करीब 83 किलोमीटर सफ़र करके आ चुका हूँ, 83 हल्द्वानी जो यहाँ से 83 किलोमीटर नज़र आ रहा है। भीड़ा पानी, अच्छा ये रूट जाएगी भीड़ा पानी को। तो भीड़ा पानी जो है यहाँ का इंटीरियर है, गांव जैसा है कोई, मैंने कभी सुना है, कभी देखा तो नहीं है, सुना है मैंने। तो ये लोग ये रोड चली जाएगी यहाँ से भीड़ा पानी, पतलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ इंटीरियर है, और आगे पता नहीं कहाँ मिलेगी ये रोड। तो जो जो लोग यहाँ से हैं वो ज़रूर बताएंगे कि कौन कौन इस वीडियो को यहाँ से देख रहा है। बहुत ही बेहतरीन स्टेशन है, वाह, मतलब बहुत बड़ा बाज़ार नहीं है, लेकिन खूबसूरती में मुझे अट्रैक्ट किया इसको, इस बाज़ार में रुकने के लिए। ये रोड कहाँ तक जाएगी? अच्छा, ये जाती है हमारी सर, ये तुम्हारा भीड़ा पानी से बहुत आगे जाती है। तो ये कहाँ मिलेगी आगे? ये आगे कहाँ मिलेगी तुम्हारा? ये भी हल्द्वानी मिल जाएगी? कौन से रास्ते? ये लंबा रास्ता पड़ता है। अच्छा,
तो ये कहाँ मतलब कहाँ उतरेंगे हम हल्द्वानी जाने के लिए? भीमताल? अच्छा 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 समझ गया मैं। लॉन्ग रोड है मतलब। अच्छा ये वाली शॉर्ट है हल्द्वानी। ओके ओके। तो ये है मोरनोला, छोटा सा स्टेशन है लेकिन बड़ा खूबसूरत है। मुझे यहाँ पर अट्रैक्ट किया, मैं इतनी जगहों से आया हूँ लेकिन इसी ने मुझे अट्रैक्ट किया यहाँ पर रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो शांति है, मुझे पसंद आई। ये देखिए फूल कितने अच्छे लगा रखे हैं। ये फॉरेस्ट का है? हाँ, ये देखिए। बहुत सुंदर। अच्छा, आप यहीं के हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा यशपासी मोनी। यशपासी मोनी जी हुए? अच्छा, तो ये यहाँ पे ड्यूटी है? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ा अच्छा है इलाका। तो काफी ठंडा है। ठंडा है यहाँ पे ना? हाँ, तो गर्मी के लिए भी। जाड़ों में क्या होता है? जाड़ों में तो यहाँ हिमपात होता है। ओ, हिमपात होता है, बर्फ पड़ती है। अच्छा, तो आपका गांव कहाँ हुआ? मेरा गांव जो है पार्टी में हुआ, थुआ मोनी। अच्छा, पार्टी डिस्ट्रिक्ट चंपावत, जहाँ से मैं जाऊंगा अभी देर, ये देवीदुरा से। जी, देवीदुरा पार्टी। पार्टी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, का ये जो हमारा फर्स्ट है, ये डिवीजन चंपावत से ही है। जिला अल्मोड़ा है, डिवीजन चंपावत है। जिला अल्मोड़ा और नैनीताल है, और जो वन क्षेत्र है वो है चंपावत। अच्छा, वन क्षेत्र चंपावत है। अरे वाह, क्या बात है। तो गाँव में, घर गाँव में है? जी गाँव। तो हफ्ते हफ्ते जाते हैं या? नहीं नहीं, ये हम एक दो महीने में जाते हैं। अभी तो फायर है, अभी तो नहीं। हाँ, अभी तो फायर है। फायर है बिल्कुल। हो गया, शुरू हो गया है फायर। ये धुंध धुंध आने लग गई है। यहाँ ठंडा है, यहाँ 24 घंटे रजाई चलती है। हाँ, यहाँ पे चीड़ नहीं है तो थोड़ा सा आग कर लेंगे, खतरा कम होता होगा। जैसा कि गर्मी में कोई चादर वाली बात नहीं, रजाई चलती है। हाँ बिल्कुल, लग रहा है वो तो। चलिए चलिए, धन्यवाद सर, बहुत बहुत ओके। तो ये है मोरनोला, तो बड़ा अच्छा स्टेशन है और बहुत ही ठंडा है और हिमपात होता है यहाँ पर। और छोटी छोटी चाय की दुकानें आपको दिख रही होंगी, और यही पहाड़ों का एक सिंबल है। आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में वो आनंद नहीं आएगा, जो छोटी छोटी दुकानों में आपको चाय पीने में मज़ा आएगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे को। बहुत हो गया, काफ़ी रेस्ट, थोड़ा सा कमर सीधी कर ली। तो देखिए आपको सिंबल यहाँ से इस पर दिख रहा होगा, ये टूरिज्म का है, बना रखा है यहाँ पर। तो ये सिंबल है, ये तो हालांकि अगस्त में होता है, ये इसके लिए आपको अगस्त में आना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा नया अनुभव मिला मुझे इस मार्ग से आज गुजरने पर, और जो ठंड लग रही है ना, उसको मैं आपको बता नहीं सकता। जहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था, वहाँ पे खाली एहसास हो रहा था मुझे ठंड का। अब ठंड लग रही है, मैंने ये पहन लिया है गले में, मेरा जो हाई नेक पहन लिया है मैंने, गले का जो नेक बैंड होता है वो पहन लिया है। अब आप सोच सकते हैं, जिस वक्त आप कूलर में इस वक्त बैठे होंगे मैदानों में, मैंने वेंचेटर के ऊपर नेक बैंड पहन लिया है ऊनी। तो यहाँ से एक बाज़ार को रास्ता है जैती। जैती आपने सुना होगा, जैती शायद ब्लॉक भी है। मैं एक बार गया हूँ बहुत पहले, करीब 18 साल पहले मैं गया था यहाँ से, बस में गया था। ये देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर चाय पानी की। तो यहाँ से मैं जैती गया था। इस अप्रैल के महीने में अगर आपको ठंड लग रही हो तो समझ लेना वो इलाका कैसा होगा। ये आया जी, ये क्या आया, ये पता नहीं क्या आया, गांव जैसा है छोटा सा। बेड़चूला मंदिर है कोई यहाँ पे आसपास, बेड़चूला गांव। तो कभी अच्छे अच्छे नजर आ रहे हैं दूर दूर, खुले खुले आलू की खेती आपको नजर आ रही होगी। आलू यहाँ पे अच्छा अच्छी पैदावार होती है, और यहाँ का आलू फेमस भी है। तो ये था बेड़चूला। देवीधुरा 20 किलोमीटर, लोहाघाट 65 किलोमीटर, वाल का पता नहीं कहाँ है। चलो एक डेढ़ घंटे का सफर देवीधुरा अभी और है, मतलब 3:30 बज ही जाएंगे। ये देखिए पहाड़ी ढालों पर आपको आलू की खेती नज़र आ रही होगी। ये देखिए सारी आलू की खेती है ढाल में, आप देख सकते हैं। तो ये आलू जो है यहाँ के किसानों की आजीविका की रीढ़ है, इसी से ये लोग अपना खर्चा चलाते हैं, इसी से आजीविका चलाते हैं। लेकिन भाव
उतना नहीं मिलता है जितना इनकी मेहनत होती है, क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं बीच के, जो इकट्ठा इनका माल खरीदते हैं, वो मजबूरी वाले दाम इनको दे करके माल उठा लेते हैं इनका, और उसके बाद हमारी रसोई तक वो माल बहुत महंगा पहुँचता है मनमाने रेटों में, लगभग दुगने। तो ये असमानता है थोड़ा सा। चलिए, खाना तो मैं सुबह खा के आया था जम के, नाश्ता तो ज़रूरत कुछ है नहीं। ये देखो बैठे हैं बिल्कुल, तो कहीं पर चाय पीते हैं और उसी बहाने मोबाइल चार्ज करते हैं, क्योंकि तो मोबाइल, हालांकि बैटरी अभी है इसमें, है अभी 45% करीब है, इतना मेरा लग गया रास्ते भर में वीडियो बनाते बनाते, तो फिर भी लेकिन बैकअप होना चाहिए अपने पास। ये देखो जंगलों में आग का सिलसिला शुरू हो गया है, अभी अप्रैल महीना शुरू हुआ है और जंगलों में आग लगनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितना गलत है ये, कितना मतलब एक दुखी करने वाला एक दृश्य है ये जंगलों में आग का। इससे भला किसी का नहीं होता, नुकसान ही होता है। चलो यहाँ पर पी लेता हूँ चाय यार, ये दुकान ठीक लग रही मुझे। तो ये जगह है सोनी बैंड, यहाँ पे एक होटल है छोटा सा, लेकिन अच्छा होटल है, यहाँ पे खाना बढ़िया बनता है यहाँ पे। तो गाड़ियाँ वगैरह रुकती हैं और थोड़ा सा रह गया यहाँ से देवीदुरा, और चाय का ऑर्डर दिया था, चाय बन गई बढ़िया। देखिए चाय का कलर, तो थोड़ा सा चाय पी के एक बिस्किट खा के मैं बढ़ता हूँ आगे। लेकिन दिन बहुत है अभी, मेरे पास टाइम बहुत बचा है, आराम से आ रहा होटल वगैरह लेकर के, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर मार्केट को निकलेंगे। ये देखिए ऊपर देखिए फायर सीजन है, कोई बुझाने वाला नहीं है इस आग को। जो अभी उन्होंने कहा था वन विभाग वालों ने, वही बात हो गई है रास्ते में जो मिले थे। ये देखो आग फैलती हुई आ रही है रोड तक, अब यही जो है नुकसान करती है। हाँ, तो टी ब्रेक ले लिया है, थोड़ा सा हल्का सा स्नैक्स भी ले लिया है, भूख लगी थी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सुबह 8 बजे किया था मैंने नाश्ता। तो अब निकलता हूँ यहाँ से, अभी आपको एक मैं पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ पर अल्मोड़ा चंपावत और नैनीताल की सीमा है। बिल्कुल ये अल्मोड़ा ज़िला, चंपावत ज़िला और उसका सेंटर है बिल्कुल ये नैनीताल ज़िले का, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। वालका एक जगह पड़ती है, आगे मिलेगा आपको, वो आपके लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती है और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उसे, और मैंने भी पहले कभी सुना था, आज मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए चलते हैं, अभी नैनीताल में ही चल रहा हूँ मैं तो बिल्कुल ताजुब कर गया हूँ, ये मतलब जियोग्राफिकल कंडीशन है कैसी। पहले मैं अल्मोड़ा में चल रहा था, अब मैं फिर नैनीताल में आ गया हूँ दोबारा से, क्योंकि शहर फाटक और इधर मोरनोला से अल्मोड़ा ज़िले में था ये। अब इस वक्त मैं नैनीताल ज़िले में चल रहा हूँ, अब थोड़ी देर में जो वो आएगा स्टेशन जो मैंने बताया था आपको, वो चंपावत ज़िले में आएगा। तो ये बड़ी टिपिकल जोग्राफिकल लोकेशन है। तो चलो कोई बात नहीं, वालका, ये जो वालका है ये चंपावत में आएगा। तो तीन ज़िलों का एक सेंटर है यहाँ पर, भला दिलचस्प है ये देखने में सुनने में। देखिए जो जंगलों में आग लगी है ना, उसका धुंध देखो अभी भी मेरे को महसूस हो रही है, उसकी चीड़ की लग्जरी भी लकड़ी की महक लग रही है। तो खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी गाड़ी को भी खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी ने कल फुल पेट्रोल भर रखा है, बिल्कुल टंकी फुल, तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखो फुल है बिल्कुल टंकी, अभी भी फुल है, इसका माइलेज बहुत बढ़िया है ना, ये देखो फुल। तो फिलहाल इस टूर में तो मुझे पेट्रोल भराने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा मेरा टूर होगा ये 10 दिन का, जितना भी टूर होगा वो इसी से करूँगा। तो यहाँ से कौन कौन है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, इस एरिया से कौन कौन है और कौन कौन उस तीन ज़िलों के सेंटर के बारे में ज़्यादा जानता है वो बताइएगा मुझे। और इसमें जो वोटर है, विधानसभा क्षेत्र है, वो कौन सा कहाँ कहाँ है, ब्लॉक का हिस्सा कितना कटता है, तहसील का हिस्सा कितना कटता है, वो आप ज़रूर बताइएगा। और अच्छे अच्छे लोग मेरे वीडियोस में आते हैं कमेंट करने, वो मुझे ज़रूर बताएंगे कि ब्लॉक का तहसील का किस हिसाब से होता है बंटवारा, वो आप मुझे बताइएगा। बाकी मैं पूछूंगा वहाँ पर खड़े होकर के, जो कोई मुझे मिलेगा तो मैं पूछूंगा ज़रूर।
बहुत अच्छा इलाका है और मज़ा आ रहा है मुझे इस मार्ग पर सफ़र करने में और आपको दिखाने में। चलो ये वीडियो तो मैं रात को अपलोड कर दूंगा अगर नेटवर्क सही मिला तो। बाकी देवीधुरा मार्केट की और उसकी देवीधुरा मंदिर की वो कल आएगी, शूट मैं आज ही कर लूँगा, आएगी वो कल। देखिए एक घर एकांत में बना हुआ, बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है मैं क्या कहूँ। ये देखिए बिल्कुल एकांत में बना हुआ है, नारंगी के पेड़ भी हैं। अब ये बताओ जो लोग दिल्ली बम्बई पंजाब या सऊदी या दुबई यहाँ भी हैं होटल लाइन में नौकरी में प्राइवेट जॉब में सरकारी नौकरी में, तो किस किस को अपने घर की अपने गांव की याद आ रही है, किस किस को याद आ रही है ये आप मुझे ज़रूर बताना, तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोग बताएंगे। और आप लोग हमेशा आते हो, आप लोग अपने पहाड़ को अपनी जन्मभूमि को याद करने आते हो, ये बात मुझे दिल खुश कर देती मेरा। जैसे ही किसी का कमेंट आता है, हालांकि जितने व्यूज़ आते हैं उतने तो कमेंट नहीं आ पाते, लेकिन उनमें से 7-8 लोग ज़रूर ऐसे कमेंट करते हैं जो अपने गांव को याद करने वाले होते हैं। पार्टी 26 किलोमीटर, लोहाघाट 55 किलोमीटर, मतलब कल मेरा 45 किलोमीटर का सफ़र और रहेगा, तो मैं आराम से बनाते हुए जाऊँगा रास्ते भर की बढ़िया बढ़िया आपको सीन और जैसा भी मिलेगा मैं आपको दिखाता हुआ जाऊँगा। ये आया जी वालका, यहाँ पूछता हूँ मैं, ये है जो वालका, ये अल्मोड़ा नैनीताल और चंपावत 3 जिलों का सेंटर है, तो मैं कोई दुकान कोई खुली होगी तो किसी जानकार से पूछ लूँगा ज़रूर। बाकी ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊँगा कुछ, लेकिन मैं पूछूँगा ज़रूर। जनपद चंपावत, हाँ तो ये स्टॉप पॉइंट है मेरा, मैंने अभी थोड़ी देर गाड़ी रोकी है। तो ये वालका है, तो जो मैंने बताया था जो लोग बता रहे थे, ये अल्मोड़ा नैनीताल और चंपावत का एक सेंटर है। अब यहाँ पर कौन सा हिस्सा कहाँ पर है क्या है, फिलहाल मैं ये जो आपको बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है ये ज़िला नैनीताल, ये देखिए मतलब एक ही मार्केट में आपको 3 जिले नज़र आएंगे, ये आकर्षण का केंद्र है। तो ये जो बोर्ड लगा इससे ऊपर, अब मैं नैनीताल छोड़ाया ये बॉर्डर आ गया, ये मैं आ गया ज़िला चंपावत में, और इससे उधर को आएगा अल्मोड़ा को, ये जो रास्ता थोड़ा सा आगे जाकर के अल्मोड़ा ज़िला पड़ जाएगा। तो ये एक अनोखा ज्योग्राफिकल एक वो है, तो उसके बारे में बातचीत करूँगा। नमस्कार, आप यहीं के हैं? अच्छा यहाँ के नहीं हैं। और भाई क्या हाल है, क्या इरादा है, क्या इरादा है? अरे अंकल कहाँ को, अरे सुनो तो, ये भी नहीं सुन रहे। तो यहाँ से जो रोड जाएगी थोड़ा सा आगे जाके अल्मोड़ा ज़िला लग जाएगा, तो लोग बता रहे हैं थोड़ा सा मतलब एक असमंजस की स्थिति है, इधर लोहाघाट का विधानसभा क्षेत्र, इधर जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र, और एक हिस्सा भीमताल विधानसभा क्षेत्र, तो ये तीनों का खिचड़ी मिक्सर है कुछ ये। तो चलो मैं अंकल से पूछता हूँ, पहले पानी पी लेता हूँ। चाचा लकड़ी लेके आ रहे हैं जंगल से, यहाँ बिल्कुल रेडी है, आपको गैस लेने जाना पड़ेगा लेकिन यहाँ रेडी है सब कुछ। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, और यहीं दुकान है आपकी? दुकान है। अच्छा, क्या नाम हुआ? तिलोक सिंह जी। तो थोड़ा सा आपका गांव कौन से उसमें आता है? आपका कौन चंपावत में आएगा? अच्छा, विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट। अच्छा, लेकिन कुछ जगह मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ टिपिकल बंटी हुई है, कोई कुछ जागेश्वर विधानसभा में कुछ हो गया, मतलब इसी बाजार के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भीमताल भी जाना पड़ेगा, किसी को लमगड़ा भी जाना पड़ेगा और किसी को लोहाघाट पार्टी भी आना पड़ेगा, ये बड़ी टिपिकल कंडीशन है। तो लोगों को परेशानी कितनी होती है इससे? परेशानी ये यहाँ वालों को तो कम होती है, चंपावत वालों को कम होती है। तो इनको ज्यादा होती है जो बेचारे इस साइड रहते हैं, नैनीताल वाले जो एक वो सामने जो दिख रहा है उधर, उनको उनके लिए ओखलकांडा जाना है, यहाँ से बहुत दूर हुआ है नैनीताल, 2 जिले क्रॉस करने ठहरे, ये सब ये दिक्कत है। और अल्मोड़ा का हिस्सा कौन सा हुआ यहाँ से, कितना दूर आगे से अल्मोड़ा जिले भी हुआ, जागेश्वर विधानसभा हुई? अच्छा चलिए, ये है। अच्छा, और क्या है घर में, गांव आपका कौन सा है? वालका। अच्छा वालका ही। अच्छा ठीक, तो गांव में क्या है आपका, खेती बाड़ी क्या होती है साहब? ऐसा ही है, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये सब बंदर लग गए। हाँ दिख रहा है वो लग गए, बारिश के बिना आएगी बारिश, अब ना लेटाने के लिए गेहूँ को आएगी ना, हाँ दिख रहा है वो।
दिख रहा है, कुछ नहीं है, खाली भूखमरी, खाली भूखमरी हो रही है, खाली करना जो बीज का भी नहीं निकल पा रहा है, बीज का भी नहीं, क्या करें, परेशानी हो रही है, परेशानी तो हो रही है, पहाड़ में समझता भी तो पलायन, पलायन इसीलिए हो रहा है, क्या करेगा आदमी यार, लगा करके ही जंगली जानवर बंदर पड़ गए ना ये, हाँ बहुत वो बढ़ी है, अब इसके हिसाब से परेशान है लोग, काश्तकारी करना भी छोड़ दिया लोग, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, बंदर छोड़ दिए, छोड़ दिए होंगे बिल्कुल, क्या करेंगे ना, जब रात में जब बीज का भी नहीं निकल पाएगा तो क्या करेगा आदमी, पलायन भी इसलिए हो रहा है, क्या करें, लेकिन अब लोग बेचारे कहीं जा नहीं सकते तो अपने घरों में मजबूरी में रह रहे हैं, क्या करें, है ना, खाना मुश्किल, चलिए यहाँ कोई वो बेरोजगारी ठहरी है, कोई मशीन ये वो तो है नहीं, कि यहाँ कोई ऑफिस है या दूसरी चीज है, किसी चीज है नहीं, अस्पताल है बिल्कुल नहीं है, कहाँ से कहीं कर, ये बुखार में भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हल्द्वानी बिल्कुल, ये बात, ये दर्द है पहाड़ का लेकिन अब दूर से देख के लगता है कि अरे भाई तो बढ़िया हवा पानी में रह रहे, हवा पानी ही ठहरी, बस और कुछ नहीं ठहरा, चलो चलो दादा चचा होगा कभी पलटेंगे दिन, है ना, चलिए नमस्कार है, ओके। तो बता रहे हैं कि जो आसपास के रहने वाले लोगों को दिक्कत होती है, किसी को कहाँ जाना पड़ता है, किसी को कहाँ जाना पड़ता है, और बाकी मैं तो इस मार्केट के इस इलाके के बारे में जानने के लिए रुका था, लेकिन उन्होंने अपना दुख भी बताया, तो सबका अपना अपना दुख है, चाहे पहाड़ में रहे चाहे शहर में रहे। नीचे एक चचा काम कर रहे हैं, आपका घर चंपावत जिले में हुआ जी? अच्छा, आपको लिए तो नज़दीक हुआ, बाकी औरों के लिए परेशानी, बाकी खेती बाड़ी की क्या स्थिति यहाँ पर? खेती बाड़ी जब बंद होने का लोग खेत भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसलिए खेत बंद, अपने आप में आबाद कर रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? ये लौकी वगैरह लगाऊंगा। अच्छा, लौकी वगैरह लगाएंगे, ये बच जाएगा? मैं यहाँ रात रहूंगा। अच्छा, ये आपने यहाँ पर ये खाने पीने का भी सामान आप लाए हैं? अरे वाह, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गिरीश चंद्र जोशी, ग्राम जटा डुंगराम है, यहाँ मेरे बुजुर्गों की जमीन है। आपकी बुजुर्गों की जमीन है, तो आप करने के लिए यहाँ से वहाँ से यहाँ आते हैं? जी के लड़कों के कब्जे में थे, अब मैं अपने हिस्सा आबाद कर रहा हूँ। अपने हिस्सा आबाद कर रहे, तो ये चूल्हा लगा रखा आपने, ये क्या है? खाना बनाते हैं सर। दिन का भी रात का, क्या बात, रहते कहाँ हो? रहना तो ये दुकान में तख्त मिला मुझे। अरे बाबरे, मतलब अपनी खेती को संभालने के लिए इतना तपस्या कर रहे हैं आप? ये सामान आटा चावल इसमें ला रखा हूँ, ये इसमें आटा चावल ला रखे हैं, ये चूल्हा लगा रखा है, दिन का बना दिया? दिन का बना दिया, बर अभी खाया नहीं है? नहीं, दिन का तो आज बर्त है। अच्छा, आप बर्त है, ये देखिए पहाड़ के किसान की कर्मठता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बाकी तो मैंने आपको जो भी दिखाए हैं अभी तक किसान खेतों में काम करते हुए, लेकिन इनका जो उदाहरण है गिरीश चंद्र जोशी जी हैं, इनका आपको विरला भी उदाहरण लगेगा। अपने खेत को, इस छोटे से खेत को आबाद करने के लिए आए हैं गांव से दूर, और चूल्हा इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, एक तपस्या वाली जिंदगी जी रहे हैं। राशन, हाँ दिख गया मुझे, राशन भी रखा हुआ है। ये आप अपने लिए झोपड़ी बना रहे हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं, तपस्या किसे कहते हैं, जो आपने तपस्या का नाम सुना होगा, ये तपस्या हो रही है, और इसमें ये झोपड़ी बना के रहेंगे, आंधी बरसात तूफान सब को सहन करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, तो स्पेशली एक सैल्यूट बनता है सर। तो घर में क्या क्या है कारोबार? घर में दो लड़के हैं, एक लड़की है, घरवाली है जी, वहाँ भी खेती है। वहाँ भी खेती है, तो आप अपने बुजुर्गों की जमीन को इतना आपको वो है? सर मुझे दुख लगता है बंजर होने का, सेंटर की जमीन है, एक चेक हमारा जी, आप मुझे बंटवारे के कारण बंद रह गई है, बंटवारे के कारण बंद हो जाता, हम टाइम से अपना संभालते। अच्छा, ये बात भी है। हाँ। अब आपका हिस्सा आपको मिल गया? अभी नहीं मिला, अभी डीएम साहब का आप आबाद करो, इसमें जो कार्रवाई करेगा वही पकड़ा जाएगा। अच्छा, इसमें कितना खेत है, नीचे तक सारे हैं? सर मेरे हिस्से 9 नाली 18 मुट्ठी है, खेत नदी हमारा सरहद है। अच्छा, उधर रास्ता उधर रास्ता है, तो उसमें जो है ये हमारे ताऊ जी को मेरे पिताजी के दो भाई की जमीन है। तो चलिए ठीक है, ये तो बंजर है, इसको आप खुद ही खोदा है आपने सब? ये सब मैंने खोदा सर। देखिए ये बंजर जमीन है, आप देख सकते हैं बंजर को खोदना कितना मुश्किल होता है, खोदना तो छोड़ो इसमें दोबारा एक घास उगाना भी कितना मुश्किल होता है, इन्होंने बंजर जमीन को खोदा हुआ है। ये देखिए बंजर जमीन को खोदना कितना आसान होता है, इसमें क्या होता है, जो हलिया होता है ना वो भी मना कर देता है कि भैया मैं नहीं करूंगा, मना कर देते हैं इसके लिए। तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी गांव से हूँ, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को। ये अपने हाथ से फावड़े से ये जैती से खोद खोद के इन्होंने इतना आबाद कर दिया है, इसमें ये क्या लगाएंगे? 15 दिन लग गए इतना खोदने में। देखिए मानना पड़ेगा सर, सैल्यूट है आपको, आपको प्रणाम सैल्यूट, इतनी बड़ी कर्मठता के लिए आप उदाहरण हो हमारे पहाड़ के उन लोगों के लिए जो अपनी खेती बाड़ी छोड़ के बैठे हुए हैं। छोड़ना नहीं चाहिए, सोना पैदा होता है, लेकिन अपना अपना अपनी भावना भी तो जुड़ी है इससे।
अपनी भावनाएं भी तो जुड़ी हैं, अपने आपके पुरखों ने कैसे ही जमीन कमाई होगी, कैसे ही जमीन कहां से क्या किया होगा, इसमें ही कर गए, इसी में तो कर गए बेचारे। हमको तो फिर भी यहाँ सुविधाएं हैं थोड़ा बहुत, वो तो अपना गुजारा इसी में कर गए। मुझे तो सरकार पानी दे देगी, मकान देगी, उस जमाने कुछ भी नहीं था, जॉब में रहते थे। जी जी जी, चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आपको, ठीक है। गिरीशचंद जोशी जी थे ये, तो चलिए चलता हूँ, करिए फिर मुलाकात होगी, है कर्मठ योगी से मुलाकात हुई, बहुत बहुत मेरा सौभाग्य है। माँ वाराही का धाम, दिव्य धाम देवीधुरा का इलाका आ गया है, बहुत ही अच्छा इलाका है, खूबसूरत है। और मैंने आपसे कहा था ना 3:30 बज जाएगा, 3:20 हो गए हैं, तो एक करेक्ट टाइम ये रहा मेरा, 3:30 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, बस थोड़ा रह गया, 1 किलोमीटर ऊपर रह गया बस। ये वो खुद दिख रहा होगा यहाँ से मंदिर, देखिए माँ वाराही मंदिर में आपका स्वागत है। ये लीजिए जी, आ गया देवीधुरा, अति सुंदर, बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ा इत्तेफाक है, नवरात्र के दूसरे दिन मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, नवरात्र का दूसरा दिन है और देवीधुरा धाम में मैं पहुँचा हूँ। तो माँ भगवती जगत जननी आपका कल्याण करें, आपको आपका कष्ट हरें, आपका आपके दुख दर्द वो सब दूर करें। तो यह है देवीधुरा का बाजार। यहाँ मैं रहता था पहले, जगदम्बा होटल में, इसी में रुकूंगा। चलो गाड़ी कहीं लगाता हूँ, पहले होटल पूछ लेता हूँ कमरा। तो ये होटल में मिला है कमरा, तो मेरा पुराना होटल है, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ कई बार, तो अपने पैट होटल है, मैं जब भी देवीधुरा आता हूँ इसी में रुकता हूँ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी अच्छी जगह है ये, बिल्कुल शांत और बहुत ही बेहतरीन जगह है, एक तो धाम भी है, दूसरा शांत जगह भी है, तो मुझे ऐसी जगह पसंद आती है। तो अभी कमरे में थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं मंदिर को। ओके, तब तक आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, देखते हैं कमरा कैसा मिलता है, कमरा कैसा मिलता है। हाँ, तो ये कमरा मिल गया है अपने को, भैया देवीधुरा में ऐसे ही मिलेगा, छोटा सा, जो बहुत ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, तो ठीक है 250-250 की रेंज में ये कमरा मिल गया, सिंगल कमरा है, चार्जिंग पॉइंट मिल गया है, क्या करना है अपने को, है ना, खाना नीचे मिल ही जाएगा। तो अभी थोड़ा आराम करके फिर मैं जाता हूँ मंदिर की तरफ को, ठीक है, तब तक आप बने रहिएगा वीडियो के साथ।